दोस्तों, आज हम कालमेघ के फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हिंदी में इसे कालमेघ कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नीला बेंबू कहते हैं और बंगाली में इसे चिरैता कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कालमेघ का पौधा स्वास्थ्य के लिए काफी गुणकारी होता है और इस पौधे का प्रयोग आयुर्वेद में खूब किया जाता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी इस पौधे का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। इस पौधे में कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए काफी लाभप्रद होता है। कालमेघ को अंग्रेजी भाषा में नेलाबेम्बू के नाम से जाना जाता है। कालमेघ के पौधे में हल्के पीले और सफेद रंग के फूल भी लगते हैं। भारत में ये पौधा सर्दियों के समय खिलता है। बेहद ही कम लोगों को कालमेघ के पौधे के जुड़े गुणों के बारे में जानकारी होती है, इसलिए आज हम अपने इस वीडियो में आपको कालमेघ के पौधे से जुड़े गुणों और कालमेघ के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कालमेघ का उपयोग हम मधुमेह के लिए भी करते हैं। आयुर्वेद में कालमेघ को काफी प्रभावशाली माना गया है। कालमेघ के पौधे का चूर्ण खाने से मधुमेह को सही किया जा सकता है और खून में शुगर का स्तर सही बना रहता है। जिन लोगों को भी मधुमेह की बीमारी है, वो लोग कालमेघ का चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। दिल के लिए कालमेघ के फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। दिल की सेहत के लिए कालमेघ को गुणकारी माना गया है। इस पौधे का चूर्ण खाने से दिल पर अच्छा असर पड़ता है और दिल संबंधी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, कालमेघ खून को भी साफ करता है। खून साफ ना होने पर आप कालमेघ के कुछ पत्तों को लेकर उन्हें पानी में उबाल दें, फिर आप इस पानी को छान लें और इस पानी का सेवन करें। ये पानी पीने से आपका खून एकदम साफ हो जाएगा, आपके शरीर में जितने भी कीटाणु हैं सारे निकल जाएंगे। पेट के कीड़े मारने में भी कालमेघ का उपयोग होता है। पेट में कीड़े होने पर आप कालमेघ के पौधे के पत्तों का सेवन हल्दी और चीनी के साथ करें। इस मिश्रण को खाने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। आप कुछ कालमेघ के पत्तों को लेकर उन्हें पीस लें, फिर इसके अंदर हल्दी और चीनी मिला दें। इस मिश्रण का सेवन आप दिन में एक बार करें। यह मिश्रण खाने से आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। दोस्तों, बुखार में भी इसका उपयोग होता है। बुखार होने पर आप कालमेघ के पत्तों और फूलों को लेकर उन्हें अच्छे से साफ कर लें, फिर आप इस पौधे को धूप में सुखा लें। अब आप 1 गिलास पानी गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। इस पानी में कालमेघ के पत्ते और फूलों को डालकर इस पानी को अच्छे से उबाल लें। जब ये पानी आधा रह जाए तो आप गैस बंद करके इसे छान लें। ये पानी बेहद ही कड़वा होगा, इसलिए आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। इस पानी का सेवन आप दिन में 3 बार ये पानी पीने से आपका बुखार तुरंत दूर हो जाएगा। दोस्तों, जिनको गैस की समस्या होती है, ये उनके लिए बहुत ही राहत देने वाली जड़ी बूटी है। कालमेघ के फायदे पेट से भी जुड़े हुए हैं और इसके पत्तों का सेवन करने से गैस की समस्या से राहत मिल जाती है। पेट में गैस होने पर आप इसके पत्तों को लेकर उन्हें साफ कर दें, फिर इन पत्तों को अच्छे से पीस लें। इन पत्तों से रस निकाल कर इस रस का सेवन कर लें। यह रस पीने से गैस एकदम दूर हो जाएगा। दोस्तों, लीवर की समस्या में कालमेघ का उपयोग हम करते हैं। लीवर के लिए भी कालमेघ को फायदेमंद माना जाता है और इसका सेवन करने से लीवर से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आप कालमेघ के पत्तों, आंवला के पाउडर और मुलेथी को 1 गिलास पानी में डाल दें और फिर इस पानी को गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो इस पानी को छान लें। ये पानी पीने से आपका लीवर एकदम सही रहेगा और सही से कार्य करेगा। दोस्तों, मुहासे को दूर करने में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। आज मुहासे होने पर आप कालमेघ के पानी से अपने चेहरे को दिन में 2 बार साफ करें। कालमेघ के पानी से चेहरा धोने से मुहासे एकदम सही हो जाएगा और आपको इनसे राहत मिल जाएगी। अनिद्रा दूर करने के लिए, दोस्तों, कुछ लोगों को नींद की बीमारी होती है।
अनिद्रा यानी नींद ना आने की समस्या से परेशान लोग काल्मिक के पत्तों की चाय पिए। काल्मिक की चाय पीने से नींद ना आने की समस्या दूर हो जाएगी। काल्मिक के पत्तों को लेकर आप इन्हें पानी में डालकर पानी को अच्छे से उबाल लें। फिर आप इस पानी को छान लें और इसके अंदर स्वाद के अनुसार चीनी डाल लें। काल्मिक की चाय बनाकर तैयार हो जाएगी। इस चाय को पीने से आपकी नींद ना आने की परेशानी मिनटों में सही हो जाएगी। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि टाइफाइड बहुत जोर से चला हुआ है। 2 या 3 दिन बुखार आने के बाद आप जब चेकअप कराते हैं तो देखते हैं कि आपका टाइफाइड निकला। तो दोस्तों टाइफाइड होने पर आप काल्मे के पत्तों का रस पिएं। इसके पत्तों का रस पीने से टाइफाइड सही हो जाएगा। दरअसल काल्मे के अंदर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और ये टाइफाइड को सही करने में कारगर साबित होता है। दोस्तों घाव और सूजन को भी ये बहुत अधिक कम कर देता है। घाव या सूजन होने पर आप काल्मे का लेप प्रभावित स्थान पर लगा लें। इसका लेप लगाने से चोट का घाव जल्द भर जाएगा और सूजन भी दूर हो जाएगी। आप काल्मे के पत्तों को पीस लें और फिर इसे घाव या सूजन वाली जगह पर कुछ देर के लिए लगा लें। इसका लेप लगाने से आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों काल्मे खाने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। काल्मे के फायदे अनगिनत है, लेकिन इस पौधे के साथ कई प्रकार के नुकसान भी जुड़े हुए हैं। कई लोगों को काल्मे से एलर्जी हो जाती है, इसलिए आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें। अधिक काल्मे खाने से सिर में दर्द की समस्या हो सकती है और कई बार भूख लगना बंद भी हो जाती है। काल्मे को खाने से उल्टी की समस्या भी हो सकती है और दस्त की परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिला इसका सेवन ना करें।